जीवन का अतीत अगर बेहद शानदार रहा हो और वर्तमान उससे कमतर हो गया हो तो व्यक्ति के आगे विडंबनाओं का पहाड़ खड़ा हो सकता है। वह विडंबना उसे न सिर्फ अतीत की याद दिलाती है बल्कि मौके बेमौके दिल में टीस पैदा करती है। कुछ ऐसा ही संदेश बांग्ला नाटक वासभूमि का रहा, जिसका मंचन बंगीय संस्था ललित चक्र के 76वें वार्षिक उत्सव में किया गया। नागरी नाटक मंडली के मुरारीलाल मेहता प्रेक्षागृह में मंचित नाटक पूर्व जमींदार आनंद मोहन और उनकी तीन पुत्रियों रेवती, हेमंती और जयंती के इर्द गिर्द घूमता रहा। उनके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव और सुख दुख नाटक का केंद्रीय विषय रहे। नाटक में दीपक गुण, देवव्रत दास, देवेंदु मुखर्जी, राजेश अधिकारी, पल्लव भट्टाचार्य, सागर सरकार, मिताली चक्रवर्ती आदि ने अभिनय किया। इंद्राशीष लाहिड़ी की कहानी पर आधारित यह नाटक रहा। इससे पूर्व मुख्य अतिथि वरिष्ठ सांस्कृतिक समीक्षक पंडित अमिताभ भट्टाचार्य ने दीप जलाकर वार्षिक उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। आगतों का स्वागत डॉ उज्जवल कुमार बनर्जी, संचालन बर्णाली मंडल मजुमदार और धन्यवाद ज्ञापन देवाशीष चक्रवर्ती ने किया। ये संस्था 1948 में स्थापित है, करीब हम लोग 76 साल हो गया इस संस्था का। ये प्योर बंगला नाटक आज हो रहा है। इस नाटक के लिए करीब 7-8 महीने से कलाकार लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। ये तपस्या के समान है और इसके जो निर्देशक थे शुभमय चक्रवर्ती जी, अभी हाल ही में एक्सपायर किए हैं 2-3 महीना पहले, लेकिन वो पूरा नाटक का डायरेक्शन दे के गए थे एकदम पूरा। यहाँ तक कि जो स्टेज आप लोग देख रहे हैं उस स्टेज का भी पूरा वो मॉडल वॉडल सब तैयार करके, हम लोग के लिए बहुत दुखद है, लेकिन उनकी स्मृति में आज हम लोग ये मतलब नाटक को कर रहे हैं। और ललित चक्र साल में 4 बार ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बंगला नाटक नृत्य इसी सब से हम लोग लगे आज हैं। का क्या है नाटक, क्या खास है आज का नाटक? समाज के प्रति जो हम लोग सामाजिक नाटक है ये,